AFNS इंटरव्यू कॉल्स मेरिट लिस्ट कॉल स्टेट इंटरव्यू डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल दुरूद ए पाक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. السلام علیکم. My name is محمد فیضان. EduSmart the best education platform کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے AFNS انٹرویوز کے بارے میں, ان کی کالز کے بارے میں, ان کی ڈیٹس کے بارے میں اور میرٹ لسٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, तो देखें जिन कैंडिडेट्स ने AFNS का टेस्ट दे दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल टेस्ट जो है वो दे दिया हुआ है, वो पास हो चुकी हैं. अब उनमें से कुछ कैंडिडेट को कॉल आएगी, कुछ को नहीं आएगी. ये मैं पहले बता चुका हूं कि किन कैंडिडेट को कॉल आएगी, किन को नहीं आएगी. ठीक है, आपके मैट्रिक FSC के नंबर भी मैटर करते हैं, लेकिन बहुत निचले दर्जे में जाके. सबसे पहले जो आपकी चीज मैटर करती है वो ये है कि आपका इनिशियल जो टेस्ट हुआ था, जो आपके सिलेक्शन सेंटर में आपका इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर पे हुआ था, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट और आपका एकेडमिक टेस्ट, आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया है. अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है देन आपकी कॉल आएगी. पहली बात सबको क्लियर हो गई कि कॉल किसे आएगी, जिसको अच्छा परफॉर्म किया है टेस्ट में उसको कॉल आएगी. एक बात हो गई. अब अभी तो कॉल क्यों नहीं आई. देखिए मुख्तलिफ सिचुएशंस हो जाती हैं. पहले तो एक्सपेक्टेड डेट जो थी वो ये थी कि आपको 22, 23, 24, 25 नवंबर, ठीक है, इसमें आपको कॉल्स आ जाएंगी. 10 दिसंबर तक आपको कॉल्स आनी थी, देन उसके बाद आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने थे, लेकिन किसी को भी AFNS की कॉल नहीं आई, किसी को भी AFNS इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया. क्यों नहीं बुलाया? ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन, क्योंकि इसकी सिचुएशन जो है वो प्रिवेल हो गई, फिर काबू से बाहर होना शुरू हो गया AFNS का. और जैसे हम जानते हैं कि तमाम सरकारी अदारों, स्कूलों, कॉलेजों में भी छुट्टियां हो गई हैं, तो इसी के पेश नजर आई थिंक के अभी तक कॉल्स नहीं आई. सो हो सकता है कि इंटरव्यूज डिले हो जाएं, और नजर भी यही आ रहा है कि इंटरव्यूज डिले हो चुके हैं. सो अब क्या होगा? अब ये हो सकता है कि या तो अगले मंथ यानी कि दिसंबर में 10 के बाद आपको कॉल्स आए. अगर दिसंबर में 10 के बाद आपको कॉल्स नहीं आई देन आपको जनवरी में कॉल्स आएंगी. सो अभी आपके क्या इसका बेनिफिट है और क्या नुकसान है? इसके बेनिफिट भी हैं, नुकसान भी हैं आपके लिए. नुकसान ये है कि अगर एक महीना और ये सिचुएशन काबू से बाहर रही, यानी कि जनवरी में भी जाके सिचुएशन से बाहर रही, तो हो सकता है कि ये जो इंटरव्यू की कॉल्स है वो आए ही ना, ये भर्ती कैंसिल कर दी जाए, क्योंकि ये भी होता है कि भर्ती कैंसिल हो जाती है. तो एक ये नुकसान है. लेकिन अगर आपको दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में कॉल्स आ जाती हैं, मीन अगर अब आपके लिए क्या है, एक महीना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास मौजूद है. पहले जो कॉल्स आनी थी वो आनी थी 25 नवंबर से 10 दिसंबर के दरमियान, क्योंकि हम जानते हैं कि 25 नवंबर को अभी क्रॉस कर दिया है. अगर तो 10 दिसंबर को आपको कॉल्स आ जाती हैं देन वेल एंड गुड, नहीं तो आपको जनवरी में कॉल्स आएंगी या दिसंबर के एंड में, यानी कि 25 दिसंबर में हो सकता है आपको कॉल्स आए. देन क्या होगा? आपके पास अभी एक महीना पड़ा हुआ है पूरा तैयारी करने के लिए. आपके पास इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम पड़ा हुआ है? पूरा एक महीना. सो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है. मैंने आपको बताया दो पॉइंट्स, आपको इसका नुकसान भी है और आपको इसका फायदा भी है. अगर आपको दिसंबर के एंड और जनवरी के शुरू में कॉल्स नहीं आती, इट मींस के भर्ती कैंसिल भी हो सकती है. अगर कोरोना जो COVID-19 सिचुएशन है वो काबू से बाहर हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, देन आपकी भर्ती कैंसिल भी हो सकती है और आपको कॉल्स नहीं आ सकती. बट 50 चांस भी नहीं है, 20 चांस है ऐसा होने के. और इसी तरह अभी आपको कॉल्स हो सकता है कि 25 दिसंबर से लेके 1 नवंबर तक आए, ठीक है, 10 जनवरी तक,
यानी कि आपको ये जिधर नवंबर है इधर दिसंबर और जिधर दिसंबर है इधर जनवरी लिख दें, तो हो सकता है आपको इस टाइम कॉल आए, यानी कि इस ड्यूरेशन के दौरान जो मैंने आपको बता दी है 25 ऑफ दिसंबर टू 10th ऑफ जनवरी 2021। ओके, अगर आपको इनके दरमियान कॉल्स आती हैं तो वेल एंड गुड, आपके पास अब एक महीना है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। अब प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू क्यों जरूरी है, कहां से करें, कैसे करें, ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी खुलिया बताया था कि इंटरव्यू जो है ना ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी कोई ISS भी नहीं होनी जैसे लड़कों की होती है या LCC में होती है या एयरफोर्स में होती है, नो, AFNS वालों की सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता है और जो एकेडमिक टेस्ट होता है उसी की बुनियाद पे सिलेक्शन होती है। सो आपके लिए जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। सो मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट इंटरव्यू की वीडियोस मिल जाएंगी और एक इंटरव्यू गाइडलाइंस वाली वीडियो है 30 मिनट्स वाली, वो आपने लाजमी देख लेनी है और इंशाल्लाह अब डे बाय डे आपको असाइनमेंट्स की शक्ल में वीडियोस मिलेंगी। मतलब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, अगर कोई वर्ल्ड मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहे तो मेरा नंबर है 0306-88-92-208 और मेरी ईमेल आईडी है edusmart.prep@gmail.com edusmart.prep@gmail.com। सारे के सारे वर्ड छोटे हैं, ठीक है, तो ये जो मेरी ईमेल आईडी भी मैंने आपको बता दिया, मेरा जो लोकल कॉल नंबर है व्हाट्सएप नंबर है 0306-88-92-208। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना चाहें देन आप ऐड हो सकते हैं विदाउट एनी फी, मैं कोई फी नहीं देता, ठीक है। इसी तरह मैंने ग्रुप में प्रिपरेशन करवाई थी असाइनमेंट्स की शक्ल में, तो ये आपकी 10 असाइनमेंट्स बनेंगी और 10 असाइनमेंट्स मैं इंशाल्लाह अभी अपलोड करूंगा इधर यूट्यूब पे वीडियोस की शक्ल में। सो आपने वो असाइनमेंट्स खुद अपने घर में अपने हाथ से करनी होंगी, देन इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन आपको खुद पता चलेगा कि बड़ी अच्छी हुई है, ठीक है। तो 10 असाइनमेंट्स होंगी जिनमें मुख्तलिफ तरह की मैं चीजें आपको अपने नाम से लेके आपके इंट्रोडक्शन से लेके आपका इंटरव्यू खत्म होने तक की हर चीज के बारे में मैं गाइड करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि जिन्होंने मेरा इनिशियल टेस्ट दिया था उनको पता है कि मैंने एक एक चीज के बारे में गाइड किया था। इसी तरह मैं इंटरव्यू में भी आपको एक एक चीज को गाइड करूंगा। सो आपने इस चैनल पे टिके रहना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी जो भी वीडियो है फिटनेस इंटरव्यू पे वो आपने देखने नहीं है। इसी तरह जो भी मेरी वीडियो एवरीडे साइंस पे हो या जनरल नॉलेज पे अपलोड हो वो आपने लाजमी देखनी है, बिकॉज जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस बहुत मैटर करता है आपके इंटरव्यू में। सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, क्यों करें, क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपके पास एक महीना है, सुकून से आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छी तरह से तैयारी करें, बिकॉज अगर आप जाना चाहते हैं AFNS में एज एन ऑफिसर तो ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इंटरव्यू डिले हो चुके हैं, ठीक है, और आपको भी जो कॉल्स आएंगी वो कब आएंगी, 25th ऑफ दिसंबर टू 10th ऑफ जनवरी 2021, ओके, 2021 में अभी कॉल आएंगी, ये एक्सपेक्टेड है, पहले भी आ सकती हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो मैंने आपको बता दिया है। और जो ही मेरे लिस्ट डिस्प्ले होगी इंशाल्लाह वो मैं इधर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दुरूद पाक हमारी कामयाबी का जरिया, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें। आज मैं दुरूद शरीफ की आपको एक फजीलत बताता हूँ, जो बंदा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है ना, कोई भी दुरूद पाक छोटा या बड़ा, तो क्या होता है, अल्लाह ताला उसकी 10 नेकियां लिखते हैं उसके नामे माल में, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाते हैं, उसके लिए 10 रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं और 10 गुना माफ कर देते हैं जो एक बार पढ़ता है, ठीक है। इसी तरह जो बंदा 100 बार पढ़ता है, ठीक है, उसका अलग अजर है, और जो बंदा 1000 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसके माथे पे लिख देते हैं कि ये मुनाफिक भी नहीं है, ये मुनाफिक भी नहीं है, और इसको दोजख से भी बरी कर दिया गया। और जो बंदा 500 मरतबा पढ़ता है उसका ये अजर है कि उस बंदे को
वो अपनी दुनिया में ही, वो दुनिया में रहते हुए अपना जन्नत में ठिकाना देख लेता है। सो जितना आप दुरूद ए पाक पढ़ सकते हैं उतना पढ़ा करें, ठीक है। मिनिमम आप 100 मर्तबा रोजाना का पढ़ा करें, ठीक है। सो अभी तो मेरे साथ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد तो डियर कैंडिडेट्स AFNS कैंडिडेट गर्ल्स सॉरी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने अभी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए जो इंटरव्यू की टेंशन लिए हुए हैं, उनको पता चल जाए कि इंटरव्यू डिले हो चुके हैं और इंशाल्लाह अभी आपको कॉल दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में आएंगी। सो कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।